मुजफ्फरपुर में एक केयर टेकर की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने चेहरे और सिर पर ईंट से वार किया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क किनारे शव बरामद किया गया है। मामला अयापुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के समीप चांदवारा पुल के समीप की है। घटना के बाद मौके से गुजर रहे लोगों की नजर सब पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी अयापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अयापुर पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। मृतक की पहचान बांका जिले के तिलौधा टोला निवासी 65 वर्षीय विष्णु यादव के रूप में हुई है। मृतक कई वर्षों से बन रहे चांदवारा पुल में मुंशी और केयर टेकर का काम करता था। मामले ASP अवधेश दिक का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। घटनास्थल की जांच की गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल मृतक के परिजन से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि चांदवारा पुल का काम बीते कई वर्षों से चल रहा है। विष्णु यादव पिछले 5 साल से अधिक समय से यहां पर है। वे अकेले ही रहते थे। प्लॉट के समीप एक मोटर भी खुला था। लोगों का कहना है कि इस इलाके में स्मैकिंग और नशेड़ियों का अड्डा लगा रहता है। आशंका है कि कोई मोटर खोलने की कोशिश कर रहा होगा, इसे विष्णु यादव ने देख लिया, जिसके बाद उसके बीच हाथापाई हुई होगी। इसमें बदमाशों ने उनसे ईंट से कुचल कुचल कर हत्या कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की जब नजर सब पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दिया गया। हाँ, उसमें प्राइमा फेसी तो वही लग रहा है कि उसको ईंट से मार करके और उसका मर्डर किया गया है, और उसका मोबाइल भी अभी गायब है। तो अभी एग्जैक्ट तो रीज़न समझ में आ नहीं रहे, लेकिन हम लोगों को भी वही मान के चल रहे हैं कि हो सकता है शायद लूट के पर्पज़ से कोई आदमी आया है, फिर उसको मार दिया है। क्राइम सीन पर क्या क्या मिला है? क्राइम सीन पर अभी एग्जैक्टली तो क्लियर हुआ नहीं है। मतलब वहाँ पर भी टीम गई हुई है और हम लोग अभी क्राइम मीटिंग में आए हुए थे, तो पहचान हो गया आदमी का। यहाँ पे मुंशी का काम करते थे, गार्ड का काम करते थे। बांका के रहने वाले हैं। क्या कुछ देखे हैं? हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ पे एक मर्डर हो गया। हम लोग आए अभी देखने के लिए, देखे कि उनका मार दिया था। उसके बाद हम लोग पुलिस को सूचना दिए, पुलिस अभी आई है, उनको लेके चला गया पोस्टमार्टम के लिए। ईटा से मारा हुआ है, ईटा से पूरा ईटा वहाँ पे, पूरा ईटा, तीन ईटा वहाँ पे है, मारा हुआ है उनका ईटा से दोनों मगज पे, और ब्रेन पीछे भी फटा हुआ है, वहाँ को फटा हुआ, जिसे खाने से उनका मृत्यु हो चुका है। कौन व्यक्ति था वो? ये यहाँ प्लांट में रहते थे, जैसे कि पुल बन रहा है ना, जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के ठीक सामने उनका प्लांट था, पुल बन रहा था। ये व्यक्ति बहुत दिन से, आज से नहीं, करीबन 5-7 साल से यहाँ है। जब से पुल चालू हुआ तब से यहाँ है, लेकिन आज पहली बार उनका साथ ऐसा हुआ है। वो अकेले शुरू से रहे हैं। किसी के साथ दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं उनका। अभी हम लोग देखे हैं तो मोटर एक खुला हुआ प्लांट का। हम लोग का कंसा हो रहा है कि मोटर खोलने के कारण वो देखे होंगे, वो निकल के विरोध किए होंगे, जिसके कारण से जो भी व्यक्ति हुआ हाथापाई होके और उनको मार दिया गया है। बाहरी लोग भी इधर कहीं ना कहीं आता है जी? यहाँ पे हमेशा स्माइकर हो, दारू पीने वाला हो, हमेशा आता है। और प्रशासन भी ऐसा है कि यहाँ पे आते हैं और सबसे पैसा जीत के चल जाते हैं, लेकिन किसी को कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार महतो हुआ। क्या कुछ सूचना मिला? हम लोग को सूचना मिला है कि एक महिला कोई आया था इधर शौच का लिए, तो उसी ने देखा कि यहाँ में मुंशी जी पड़ा हुआ है, तो आकर के देखा तो पूरा खून उन बहा हुआ था, पूरा आँख मुँह धसा हुआ था। उन्होंने जाके मोहल्ला में हल्ला किया कि मुंशी जी को कोई मार के फेंक दिया है। तो हम लोग दौड़े, देखे हैं तो देखे तो हकीकत बात है कि बेचारे को माथे में ईंटा से मारा हुआ है, खूने खून हुआ है। तो हम लोग 112 पर फोन किए, मीडिया वाला को फोन किए और पुलिस को सूचना दिए। पुलिस आके अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं। भागलपुर का है, झारखंड के है। पुल में काम करते थे, पुल का चौकीदारी करते थे, और ये प्लांट में उनका ड्यूटी दिया था ठेकेदार। क्या नाम है? मुंशी यादव। मेरा नाम है बॉबी।